आज मैं घर पर ही हेयर स्पा करने वाली हूँ क्योंकि मुझे हेयर फॉल आजकल बहुत ज़्यादा ही हो रहा है और हेयर फॉल रोकने के लिए ये तरीका मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं अपने हेयर को वॉश कर ली हूँ और आपको अपने हेयर को गीला ही रखना है ताकि क्रीम लगाने में आसानी रहे और अच्छे से सारे बालों में क्रीम लग जाए। तो मैं यहाँ पर लोरियल का हेयर स्पा क्रीम ली और थोड़ा सा स्टाइलर पैक ओपन करते हुए कोई नहीं, ऐसा तो होते रहता है, अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग मैं हेयर स्पा क्रीम लूँगी और इसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अगर आप एक बार ये हेयर स्पा क्रीम यूज़ करोगे तो आपको लगेगा कि आप बार बार इसको यूज़ करते हो, कितना ज़्यादा ये क्रीमी था और स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसका टेक्सचर लाइक कंडीशनर लग रहा था। मैं अपने बालों में अच्छे से इस क्रीम को अप्लाई करूँगी और सबसे पहले मैं रूट में अप्लाई करूँगी ताकि जो प्रॉब्लम है मेरे हेयर का वो सारा ख़त्म हो जाए। देन मैं लेंथ पे अप्लाई करूंगी। तो सबसे पहले मैं अपने रूट पे लगा लेती हूँ और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इस क्रीम को 15 मिनट के अंदर में ही लगा लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसका रूल यही है। अब बारी आता है लेंथ का, तो लेंथ लगाने से पहले मैं अपने हेयर को अच्छे से कॉम करूँगी ताकि मेरा एक भी हेयर जो है बच ना पाए। अगर आपके पास ऐसा कोई है जो आपको इसमें हेल्प कर सके तो आप हेल्प ज़रूर लेना ताकि उसका रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा है। मेरा निकाला हुआ क्रीम मुझे कम पड़ गया था इसलिए मैं इसको दोबारा से ले ली हूँ ताकि अच्छे से मैं सारे बालों में इसको लगा सकूँ और मेरा हेयर फॉल है जो रुक सके। इसके बाद बारी आती है अच्छे से हेड मसाज की। तो मैं फिर से कहूँगी कि अगर आपके पास कोई है जो आपको इसमें हेल्प कर सके, आपको हेड मसाज दे सके, तो आप ज़रूर लेना क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें यही होता है कि आपको रिलैक्स फील हो। 5 से 10 मिनट मसाज लेने के बाद 5 से 10 मिनट आपको स्टीम लेना है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप मेरी तरह गुनगुने पानी में कॉटन का दुपट्टा डिप करके आप ऐसे लगा सकते हो 5 से 10 मिनट तक। इसके बाद आप 10 मिनट अपने बालों को ऐसे रिलैक्स छोड़ दें, फिर सादे पानी से आप अपने हेयर को वॉश कर लें। और हाँ, अपने बालों को तुरंत ही वॉश ना करें स्टीम लेने के बाद, नहीं तो आपको बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो ये रहा बाकी का रिज़ल्ट और मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया था और ये रिव्यू मैं 1 वीक बाद दे रही हूँ। मेरा हेयर फॉल भी कंट्रोल है, तो अगर आपको भी कंट्रोल करना है अपने हेयर फॉल और अपनी हेयर का लेंथ बढ़ाना है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।